दोस्तों, आज ट्रॉली का लिमिट सेट करने का जो तरीका है, प्रोसीजर है, वो बताने जा रहा हूँ। आप लोग भी वीडियो देख के लिमिट सेट कर सकते हैं। अभी इसका ढक्कन खोल लेते हैं। इसमें देखिए दोस्तों, दो कैंप है, दो उस साइड कैंप है, चार कैंप है टोटल। दो हाई स्पीड का है, दो लो स्पीड का है, यानी एक दो आगे का, दो पीछे का। अभी देखिए इस टैप का पुश करके देख लेना है कौन कौन सा कैंप दबा हुआ है, कौन सा नहीं दबा हुआ है, आपको पता चल जाएगा। जब भी लिमिट सेट करें, ये नट को लूज कर लें। नट को लूज करने के बाद ही आपको लिमिट सेट करना है। देखिए नट को लूज कर लिया। अब इसमें देखिए नंबरिंग आता है दोस्तों। देखिए 1 2 3 4, 1 2 जो है पीछे का है, 3 4 आगे का है। ज़रूरी नहीं है ऐसा होगा, चेंज भी हो जाता है, वो देख के कैंप को दबा के चेक कर लेना, ठीक है। अब हम इसको सेटिंग करते हैं। देखिए अब मैं सेटिंग कर रहा हूँ दोस्तों। पहले हम पीछे का सेटिंग करते हैं। ये देखिए कैंप को घुमा रहे हैं, धीरे धीरे घुमाना है और उसका डायरेक्शन में ही घुमाना है। घुमा दिए, हाई स्पीड और फाइनल कटअप कर दिए पीछे का। देखिए अब घुमा के दिखा रहा हूँ कैसे कटअप होता है। ये देखिए कटअप हो रहा है। जब भी लिमिट को कटअप करें, ट्रॉली को कटअप जहाँ करना उस एरिया में ही खड़ा करें। देखिए अब चेक कर लेते हैं, ठीक है, कटअप हो रहा है। अब हम आगे का सेटिंग करेंगे। पीछे का हो गया, देखिए कैंप घूम रहा है, कैंप का डायरेक्शन सेम रखना है। अभी हम आगे के तरफ कैंप जा रहा है ना, इस डायरेक्शन में कटअप होना चाहिए। यदि कैंप को इस डायरेक्शन में ला देंगे, नहीं कटअप होगा। देखिए फाइनल कटअप हो जाएगा दबाने से। हाँ कटअप हो गया। अब हमको क्या करना है दोस्तों, धीरे धीरे घुमाना है। देखिए देखिए धीरे धीरे घुमा रहे हैं, हाई स्पीड 2 नंबर कटअप हो गया है। अभी हम 1 नंबर यानी कि फाइनल लिमिट कटअप करना है। दोस्तों पहले दो नंबर क्यों कटअप करते हैं? 2 नंबर इसलिए कटअप करते हैं, यदि हाई स्पीड में जाएगा तो लिमिट काम नहीं करेगा, आपका आगे जाके लड़ सकता है, इसलिए पहले हाई स्पीड कटअप करना है। धीरे धीरे जाएगा तो दिक्कत नहीं होगा। अभी देखिए ट्रॉली आउट करके चेक कर लेते हैं। चेक कर लिए, काम कर रहा है। अभी ये कैंप दोस्तों देखो, चार कैंप होता है, चार कैंप को बहुत ही नॉर्मल सेटिंग होता है। देखिए दबा रहे हैं, ऐसा आप दबा के भी चेक कर सकते हैं कौन सा आगे का है, कौन सा पीछे का है। अभी हम इसको सेट कर दिए और ये नट जो खोले थे दोबारा इसको फिर से टाइट करेंगे, लेकिन हम एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, उसके बाद टाइट करेंगे। अभी चेक कर लेते हैं। अभी हम पीछे ले रहे हैं ट्रॉली को, पीछे लेने के बाद फिर से चेक करके फिर हम इस नट को टाइट करेंगे। नट को टाइट करने के लिए आप स्पैनर का यूज कर सकते हैं, नहीं है तो प्लास से भी कर सकते हैं, लेकिन नट टाइट करें। और नॉर्मल टाइट करना है, ज़्यादा भी टाइट नहीं करना है, नहीं तो टूट जाएगा, ठीक है। अभी हम पीछे ले रहे हैं, देखते हैं। अभी ट्रॉली पीछे आ रहा है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और वीडियो को देख के आप भी सेटिंग कर सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें,
और शेयर भी कर दें। देखिए अब ये नट को मैं फिर से टाइट कर रहे हैं, नॉर्मल टाइट करना है और कैंप को पकड़ के टाइट करना है। अब ये टाइट हो गया, एक बार फिर से चेक कर लेंगे लिमिट। अभी देख लेते हैं काम कर रहा है नहीं कर रहा, कर रहा है काम या नहीं कर रहा है अभी पता चल जाएगा हमें। कर रहा है काम दोस्तों। अभी हम इसका ढक्कन खोले थे, फिर से ढक्कन टाइट कर देंगे। हो गया ट्रॉली का लिमिट सेट, आप भी कर सकते हैं वीडियो को देख के। अभी हम इस नट को टाइट कर देंगे।